नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फोटोशॉप में किस तरह से फायर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, यानी फायर का एक इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल के साथ एन दबाना है और यहां पर आपको पेपर का साइज सेट कर लेना है और सिंपल प्रेस कर देना है ओके। ओके प्रेस करने के बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इस पेज का कलर आपको ब्लैक करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कलर पर जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। ब्लैक कलर लेने के बाद ओके प्रेस करिए और अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए ऑल्ट के साथ डिलीट। जैसे आप ऑल्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, आपका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है कलर पर और यहाँ से वाइट कलर ले लेना है, क्योंकि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट आपका वाइट होना चाहिए, वरना ब्लैक टू ब्लैक नज़र नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा अमन। लिखने के बाद आपको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और कॉर्नर से आकर के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो हमने इसके साइज को सेट कर लिया और यहाँ पर प्रेस कर दिया ओके। ओके प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, इमेज पर जाना है और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इमेज रोटेशन का। इमेज रोटेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से लेना है 90 डिग्री CW। 90 डिग्री CW लेने के बाद आपको वापस से जाना है फिल्टर के अंदर। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन स्टेलाइज का और यहाँ पर आपको नजर आएगा विंड का एक ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको ओके प्रेस करना है फिर से। अब आप देखेंगे आपका जो फायर का इफेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हमें जो इफेक्ट चाहिए वो ऊपर की तरफ चाहिए। तो इसके लिए हम बैक करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे और इसके बाद वापस से जाएंगे फिल्टर के ऊपर और यहाँ से स्टेलाइज को लेकर के यहाँ पे विंड सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखें फ्रॉम द राइट को हटाकर हम फ्रॉम द लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो इफेक्ट है वो लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो गया। अब आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एफ, तो आप कंट्रोल एफ 4 बार दबा दीजिए। 4 बार कंट्रोल एफ करने के बाद इसको वापस से आपको सीधा करना है, तो हमें जाना है वापस से इमेज वाले ऑप्शन पर, इमेज रोटेशन पे जाना है। इमेज रोटेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको 90 डिग्री CW फिर से क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर हो गया, तो आप कंट्रोल जेड वापस से कर दीजिए और यहाँ से इमेज में इमेज रोटेशन को सिलेक्ट करके 90 डिग्री CCW सिलेक्ट करना है आपको। अब आपका जो इफेक्ट होगा वो सीधा हो जाएगा इस तरीके से। इसको माइनस करके थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं कंट्रोल के साथ माइनस करके। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से और यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+J। Ctrl+J जैसे ही आप दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके बैकग्राउंड की एक कॉपी आ जाएगी। इस कॉपी को करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई। जैसे ही आप Ctrl+E दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका वो बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों के दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में। और मर्ज करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर। फिल्टर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिक्विफाई का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। लिक्विफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट टूल सेलेक्ट करके रखना है, फॉरवर्ड रैप टूल, और इसके बाद यहाँ पर इसके साइज़ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसके साइज़ को ले लेते हैं यहाँ से 50 लेने के बाद अब यहाँ पे इसके फायर को किस तरीके से इफेक्ट देना है आप देखिए ध्यान से। आपको अपने माउस से क्लिक करके रखना है और इस तरीके से इसको रोटेशन करके फायर का इफेक्ट देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसके जितने भी टैक्सेस हैं उन सभी को फायर का इफेक्ट दे सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और साथ के साथ इसके टेक्स्ट को भी थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से भी आप इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दीजिए ऐसे इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको इसको भी थोड़ा सा फायर का इफेक्ट देना है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, बीच से भी इसको सेलेक्ट करके रोटेट कर दीजिए हल्का सा, ताकि ऐसा लगना चाहिए जैसे फायर का इफेक्ट आ रहा हो इसके ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से। जितने भी टेक्स्ट आपके हों उन सभी टेक्स्ट को आपको इसी तरीके से फायर के इफेक्ट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद प्रेस करिए यहाँ पर ओके। ओके प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है सीधे फिल्टर के ऊपर और यहाँ से आपको जाना है ब्लर के ऊपर और यहाँ से आपको लेना है गोशियन ब्लर। गोशियन ब्लर लेने के बाद यहाँ पर इसे ओके प्रेस कर दीजिए, तो आपकी जो टेक्स्ट होगा हल्का सा ब्लर हो जाएगा।
ब्लर करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ से इमेज ऑप्शन पर, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मोड, मोड के बाद आपको सेलेक्ट करना है ग्रे स्केल, और यहाँ पर फ्लैटन पर क्लिक कर दीजिए और डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके बाद वापस से आपको फिर इमेज पर जाना है, मोड पर जाना है, और यहाँ से आपको लेना है इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर लेने के बाद फिर से आपको इमेज पे जाना है, मोड पे जाना है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कलर टेबल, ग्रे स्केल की जगह ब्लैक बॉडी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है ओके। जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर फायर का इफेक्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से इमेज पर जाना है, मोड पर जाना है, और उसको कर देना है RGB। RGB करने के बाद आप अपने इमेज में कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैजिक टूल लेना है, और अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट को कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन सभी टेक्स्ट को अलग अलग सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप चाहें तो ग्रेडियंट टूल लेकर के आप जो भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे आपका इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर, और उसके बाद कंट्रोल डी दबा दीजिए, आप देखेंगे आपका फायर का इफेक्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका जो फायर इफेक्ट है इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।